आपने ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी इस ढंग से कभी नहीं सुनी होगी, जिसके कच्चे चिट्ठे में आपके सामने खोलूंगी, जिसकी तारीफ में मैं आपके सामने उसके मुंह पर कालक पोतूंगी, नहा धोकर पहली फुर्सत में 2400 घंटे हफ्ते के सातों दिन जो कंटिन्यू आपका सत्यानाश करना चाहता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा धोखेबाज, चोरों का सरदार, आज आप उस शैतान के बारे में जानेंगे। पता ही नहीं चलता कब घर कैसे बर्बाद करके चला जाता है शैतान। हेलो दोस्तों, आज रात के 2:21 हो गए हैं। हम लोग अभी तक सोए नहीं हैं, हमको नींद नहीं आ रही है, तो सोचा चलो क्यों ना वीडियो शूट किया जाए। तो मैं आपसे बातें कर रही हूँ दोस्तों। मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि मेरे हस्बैंड ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। अभी तक आज दूसरा दिन लग गया है, वो कम ही बोल रहे हैं, तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया है। रात का समय है दोस्तों, और क्या बोलते हैं, एकदम पूरा सुनसान, सब आपको सिर्फ मेरी ही आवाज़ सुनाई देगी। पंखा भी हम लोगों ने तो बंद कर दिया कि वीडियो शूट कर रहे हैं। मेरे चैनल का मुख्य जो उद्देश्य है वो किसी की बुराई करना नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जो सीखा है मैं वो आपको बता रही हूँ। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ दोस्तों, बल्कि मेरे चैनल का मुख्य उद्देश्य प्यार बांटना है। कोई जैसा भी है, जो भी है, वो उसका लुकआउट है, लेकिन परमेश्वर ने हमें प्यार किया है तो हमारा भी मुख्य उद्देश्य, मेरा यही है कि मैं दूसरों से भी प्यार बांटूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं कभी भी किसी का भी अपने चैनल पर नाम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं किसी को बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। खाली अपने जीवन में जो भी मेरे जीवन में बीता है वो आपके साथ बातें शेयर करती हूँ। आज मैं जो आपको किस्सा बताऊँगी, उस किस्से में आप गौर कीजिए। आपने ऐसी दिल दहलाने वाली कहानी इस ढंग से कभी नहीं सुनी होगी। उस किस्से में आपको प्यार दिखाई देगा। जैसे खेत में दाना उगता है और चिड़िया आकर दाना चुरा ले जाती है, इस कहानी में आप देखेंगे शैतान को प्यार को चुराते हुए। आप महसूस करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। तो मैं आज आपको जिससे मिलाना चाहूंगी, जिसके कच्चे चिट्ठे में आपके सामने खोलूंगी, जिसकी तारीफ में मैं आपके सामने उसके मुंह पर कालक पोतूंगी, वो भी आपकी आंखों के सामने, वो की और नहीं है, नहा धोकर पहली फुर्सत में 2400 घंटे हफ्ते के सातों दिन, जिसको कोई काम धंधा नहीं है, जो कंटिन्यू आपका सत्यानाश करना चाहता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा झूठा धोखेबाज, चोरों का सरदार, शैतान, जो लोगों का प्यार चुराता है, आज आप उस शैतान के बारे में जानेंगे कि कैसे वो लोगों का घर खराब करता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 5050 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, मैं अब अपना किस्सा आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे जो रिश्तेदार थे उनकी एक बेटी थी, वो मेडिकल की स्टडी कर रही थी।
उसको डॉक्टर बनना था। एक बार हमारे जो रिश्तेदार थे वो किसी की शादी में गए। उस शादी में लड़के वालों की ओर से एक लड़का आया हुआ था। जो लड़का आया था उसको हमारे रिश्तेदार की बेटी से प्यार हो गया। 2-3 दिन के बाद ही वो लड़का अपने माता पिता को लेकर लड़की के घर आया शादी का रिश्ता लेकर। लेकिन लड़की के माँ बाप ने शादी के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि हमारी बेटी पढ़ना चाहती है और डॉक्टर बनना चाहती है, इसलिए दोस्तों उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया। तो लड़के के माता पिता ने बोला कि हम अपनी जिम्मेदारी लेते हैं कि हम लड़की को पढ़ाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, आपसे एक पैसा भी नहीं लेंगे। तो दोस्तों परिवार वाले खुश हो गए कि चलो अच्छा है, लड़की की शादी हो रही है, अच्छे घर में जा रही है और जो ससुराल वाले हैं वो लड़की की मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। तो लड़का लड़की तो पहले ही राजी थे, आपको पता है कि शादी के लिए एक दूसरे से प्यार करते थे। तो दोस्तों थोड़े ही दिन के बाद शादी हो गई। जैसे शादी हुई लड़की को कॉलेज में दाखिला करवाया गया, अच्छी जगह ट्यूशन लगाया गया। दोस्तों जो लड़का था वो बहुत शक्की मिजाज का था, बहुत डाउट करता था लड़की पर। अभी आपको पता है साइंस की स्टूडेंट है वो लड़की, अब प्रैक्टिकल के लिए उसको लैब में तो जाना ही पड़ेगा। अब हम जब लैब में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं कॉलेज में, एक दूसरे से असाइनमेंट लेनी होती है या प्रैक्टिकल के लिए चीज़ें लेनी रहती हैं, तो बातें तो डेफिनेटली होती ही होती हैं। अब वो लड़का क्या करता था, चुपके से लड़की के कॉलेज में जाता था और क्या देखता था कि अगर लड़की किसी लड़के से बात करती है तो लड़की से झगड़ा कर लेता था। बोलता था तुम्हारा अफेयर उस लड़के के साथ है, मैंने तुझे खुद देखा है अपनी आंखों से बातें करते हुए। और अगर लड़की ट्यूशन से थोड़ा लेट हो जाती तो लड़का लड़की पे डाउट करता और बोलता अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी इसीलिए तुझे इतना टाइम लग गया। दोनों में बहुत झगड़े होने लग गए, लड़की का ट्यूशन बंद करवा दिया गया। दोस्तों लड़की बहुत अपसेट रहने लग गई, फिर भी उसने अपने कॉलेज में जाना स्टार्ट किया और घर पर ही वो सेल्फ स्टडी करती थी। पढ़ाई के लिए वो कभी कभी क्या करती थी, टेरेस के ऊपर बैठ जाती थी पढ़ने के लिए। अभी टेरेस पे बैठी है, अपने घर की टेरेस पे बैठी है, अब सामने वाले की टेरेस पे अगर कोई आदमी आ जाए और उसके पति ने देख लिया तो बोलता था उसका पति कि हाँ तू सामने वाले बंदे को इशारे करके पटा रही है। इतना शक्की मिजाज का आदमी, उस लड़की का जीना दुश्वार हो गया था। उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, कॉलेज में भी जाना फिर उसने धीरे धीरे कम कर दिया। एक दिन उस लड़की का पति बोला मैं काम पर जा रहा हूँ और रात को लेट आऊँगा। दोस्तों जो हमारे रिश्तेदार की बेटी थी उसके ससुराल में उनके जो पड़ोसी थे, उनके पड़ोसियों की एक दिन एक छोटी बच्ची उनके घर पर आई और उसने बोला कि अंकल काफ़ी टाइम से हमारे घर पर हैं। अंकल मतलब हमारे जो रिश्तेदार थे उनकी बेटी का हस्बैंड। तो उसने बोला हमारे ही घर पर है। वो सरप्राइज होगी, ऐसे कैसे, मेरे हस्बैंड ने तो बोला था कि मैं रात को लेट आऊँगा, काम पर जा रहा हूँ। तो उसने क्या किया, वो बच्ची को साथ में लिया और उसके घर पर अपने पति को और उस घर उस बच्ची की जो माँ थी उसको रंगे हाथों पकड़ लिया। दोस्तों मैंने सिर्फ इतना ही सुना है कि उसने अपने पति को और उस औरत को रंगे हाथों पकड़ा है। मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जानती हूँ दोस्तों, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि हम किसी के घर में घुसकर किसी के रूम में कैसे रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। लेकिन मैं किसी को जज नहीं करना चाहती, मुझे नहीं पता कौन सही है, लड़की सही है कि लड़का सही है, मैं किसी के लिए कोई धारणा नहीं बनाती। लेकिन मैंने यही शब्द सुने हैं दोस्तों।
वो लड़की ने अपने पति से बहुत झगड़ा किया। वो रात को घर पर आई और जब वो घर पर आई दोस्तों, तो उसने इंस्टेंट फैसला कर लिया कि मैं अपने मायके जाऊंगी। लड़के ने लड़की को बोला, अगर तूने घर से एक भी कदम बाहर निकाला तो कभी घर में वापस नहीं आना। लड़की ने क्या किया, अपना सामान उठाया और रातों रात घर से निकल गई दोस्तों। वो लड़की अपने मायके आई, एक हफ्ता गया, दो हफ्ते गए, कई महीने ख़त्म हो गए, ना तो लड़की को लड़के का फ़ोन आया, ना ससुराल वालों की तरफ से कोई फ़ोन आया। फाइनली लड़की ने क्या किया, लड़के को डिवोर्स पेपर भेज दिए। लड़का भी एग्री हो गया कि ठीक है, मुझे नहीं इसके साथ रहना है, मुझे डिवोर्स देना है। कोर्ट में डिवोर्स भी हो गया उन लोगों का। मैंने आपको बताया था कि मैं टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रही थी, वो लड़की भी मेरे साथ ही टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करने लगी। उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई बंद कर दी दोस्तों। उसने जो सपना देखा था डॉक्टर बनने का, उसका सपना उसकी शादी की वजह से टूट गया। दोस्तों हम लोग जब कॉलेज में जाते थे तो कई सालों के बाद वो लड़का अपने बड़े भाई के साथ आया। उसने लड़की से तो बात नहीं की, लेकिन उस लड़के ने मेरे से बात की और उसने मुझे बोला कि मैं अपनी वाइफ से हाथ जोड़कर सॉरी बोलता हूँ, तू मेरी ओर से उसको मैसेज कन्वर्ट कर कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे और मेरी ज़िंदगी में वापस आ जा। दोस्तों मैंने उसी वक्त यही मैसेज मेरे रिश्तेदार की बेटी को बोला। दोस्तों वो बहुत घबराई हुई थी, टेंशन में थी। उसने मुझे बोला कि मुझे लड़की के साथ कोई बात नहीं करनी है और मुझे साफ सीधा मना कर दिया कि तू भी उसके साथ कोई बात नहीं करेगी। मैंने लड़के को जाके बोल दिया कि लड़की तुमसे बात नहीं करना चाहती है और उसने मुझे भी मना किया है कि तुम लड़के से कोई बात मत करना, तो प्लीज़ तुम अपना मैसेज मुझे कभी मत देना। दोस्तों लड़के ने बहुत ट्राई किया कि लड़की मान जाए, लेकिन लड़की नहीं मानी दोस्तों। दोस्तों काफ़ी टाइम के बाद लड़का अपना बिजनेस करने के लिए पंजाब से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। वो कपड़े का बिजनेस करता था। उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट के दौरान उस लड़के की मौत हो गई। इस बीच में लड़की को बहुत सारे रिश्ते आए जब वो टीचर का कोर्स कर रही थी, लेकिन उसने एक भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं बोला। मैंने एक दिन लड़की को बोला कि क्या हुआ, तुम्हारा तो डिवोर्स हो गया है, तो फिर तुम शादी क्यों नहीं करती दूसरी जगह? तो उस लड़की ने बोला, अगर वो लड़का पहले शादी करेगा तो ही मैं शादी करूँगी। मैंने बोला, तू ही तो बोली है कि मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ। जब तू उससे प्यार ही नहीं करती है तो वो क्या करे अपनी लाइफ में, शादी करे या ना करे, तुम्हारा क्या लेना देना उससे? तुम तुम्हारी लाइफ देखो ना, अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, शादी करो, अपना घर बसाओ तुम। दोस्तों उस लड़की ने बोला, नहीं मैं नहीं करूँगी। परिवार वालों ने भी बहुत बोला लड़की को, भाई तू अपनी शादी कर ले, इतना अच्छा मौका है, बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, क्यों सब रिश्ते ठुकरा रही है? लेकिन वो लड़की नहीं मानी। जब लड़के की डेथ हो गई तो लड़की ने कई सालों के बाद फिर अपनी शादी की। दोस्तों ये प्यार ही था जिसकी वजह से वो दूसरी जगह शादी नहीं कर रहे थे। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों के बीच में प्यार था, इसीलिए तो दोनों ने शादी नहीं की थी। लेकिन वो लड़का इस लड़की को कन्विंस नहीं कर पाया।
परिवार वालों से अलग रहकर वो अपनी ज़िंदगी जीने लग गया। और लड़की ने भी शादी नहीं की थी दोस्तों, दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते ही करते थे। दोस्तों शैतान बहुत आसानी से ऐसे उनके प्यार के साथ खेल गया। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, पता ही नहीं चलता कब घर कैसे बर्बाद करके चला जाता है शैतान। तो आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉक का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। नीयत साफ नहीं है तो फिर नहाकर भी क्या धुलेगा, नीयत साफ नहीं है तो फिर नहाकर भी क्या धुलेगा, साथ रहकर प्यार भी ना हो तो रिश्तों में क्या खाक मिलेगा। मौके खूब हैं जब तक जिंदा है, मर के कोई कहाँ मिलेगा, मर के कोई कहाँ मिलेगा।